अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 304P का लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह जो है वो सी एस 304P का जो प्रैक्टिकल है उसको क्लियर करना है और किस तरह जो है आपने इसके अंदर अच्छे नंबर लेने हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट वीजू के अंदर रिसेंटली ऐड हुआ है तो बहुत से लोगों को इसका नहीं पता कि हमें इसके अंदर असाइनमेंट वगैरह कहाँ से देख के करने हैं, हमें इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, इसके क्विज कैसे अटैम्प्ट करने हैं, और इस तरह की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी स्टूडेंट के माइंड में है कि स्पेशली फाइनल टर्म जो है इसका किस तरह पास करना है और मिड टर्म किस तरह पास करना है। तो इस चीज़ के अबाउट जितने भी आपकी क्यूरीज हैं इंशाल्लाह इस सीरीज को देखने के बाद वो कवर हो जाएंगी। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलर कि आपने इसके अंदर कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कवर करनी है, आपको पहले कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो आप किस तरह जो है 304 का प्रैक्टिकल जो प्रिपेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अबाउट लेक्चर्स बनाए हुए हैं। आप यहाँ पर प्ले लिस्ट के अंदर आए ना तो यहाँ पर मैंने CS201 के लेक्चर भी आप लोगों के लिए बनाए हैं। यहाँ पे देखें CS201P, इसके अलावा मैंने यहाँ पे 301P के जो लेक्चर्स हैं वो भी आप लोगों के लिए स्टार्ट किए हैं, यानी कि आप लोग जितने भी अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे उनके इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स यहाँ पे देखने के मिलेंगे। यहाँ पे 301P के जो मेरे ख्याल से प्ले लिस्ट है वो यहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगी, मेरे ख्याल से मैंने क्रिएट की थी, वो शायद क्रिएट नहीं हुई, कोई इशू आ रहा है तो मैं इसको जो है दोबारा क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे आप देखें CS301P का भी मैंने कल एक लेक्चर जो अपलोड किया था, तो इंशाल्लाह इसके भी लेक्चर्स आएंगे। अगर आपका कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आप चाहते हैं उसके लेक्चर्स आएँ तो आप तब भी मुझे कमेंट करेगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड आप लोगों के लिए ले आऊँगा। ये मैं कंप्लीट 45 लेक्चर की एक सीरीज क्रिएट करूँगा आप लोगों के लिए हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। जैसे अभी यहाँ पे देखें CS201P के जो है वो 6 लेक्चर हो चुके हैं, 301P के 1 लेक्चर हुआ है और ये आपका इसी तरह 304P का भी फर्स्ट लेक्चर है। अगर आपको कोई और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आप चाहते हैं उसके लेक्चर भी हमें मिलें तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह उसके लेक्चर भी मिल जाएंगे। और अपने फ्रेंड के साथ शेयरिंग करिएगा ताकि उनको पता लगे कि कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लेक्चर्स है वो भी करवा रहा है। लैब सेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं सारी की सारी हम लेक्चर के अंदर करेंगे, जो हम मैं यहाँ पे आपको सीरीज लेके आऊँ इसके अंदर मैं वही सारी लैब सीरीज वाली चीज़ें जो है यहाँ पे कवर करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 304 जो है आपको मैं बता दूँ, क्योंकि इसकी पी की ज़ाती कोई बुक नहीं है, जो इसकी खुद बनाई गई हो स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। इसके अंदर सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपको 304 से लेनी है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेटा जो किसी और लैंग्वेज के ऊपर जो है वो काम करती है, यानी कि कंबाइन में काम करती है। सो अगर आपको C++ आता है तब भी ठीक है, अगर आपको जावा आता है, पाइथन आती है, कोई भी एक लैंग्वेज आती है जो कि क्लास ऑब्जेक्ट्स को अलाउ करती है, तब आपको इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर आप वीजू के स्टूडेंट हैं तो मोस्टली आपको C++ आना चाहिए, क्योंकि C++ जो है इसको आपको पढ़ाया जाता है CS201 के अंदर, CS101 के अंदर, 301 के अंदर, इस तरह की और भी काफ़ी बुक्स हैं जिनके अंदर वीजू के अंदर C++ को पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप C++ के साथ इसको स्टार्ट करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आपको चीज़ें ज़्यादा आगे इंप्लीमेंट करने में आसानी हो। सो मैं यहाँ पे कोडिंग करने के लिए C++ की मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करूँगा पहले, तो गूगल के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे पहले हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने ये सारे का सारा कोड जो अपना राइट करना है। यहाँ पे मैं Dev C++ जो है इसको लिख के सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको लिख के सर्च करूँगा, यहाँ पे देखें पहली वेबसाइट आ रही है SourceForge की, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर बस इस तरह का जो है वेबसाइट ओपन होगी, आपने यहाँ पर सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे ये 5 सेकंड का यहाँ पर रीडायरेक्ट लेगा। 5 सेकंड का रीडायरेक्ट लेने के बाद यहाँ पर ये इसकी डाउनलोडिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखें रीडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पर वेबसाइट, तो अभी हमारी जो डाउनलोडिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसको डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली इसको कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं अभी यहाँ पर मैंने Dev C++ इंस्टॉल किया हुआ है और मैं सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली डेव के अंदर चलता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम डेव इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ अलग अलग तरह के इंटरफेस आएंगे, जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको बताएगा, गाइड वगैरह करेगा। तो अगर वो आपको मुश्किल लग रहा है, आपसे नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आएँ। प्लेलिस्ट के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे CS201P वाले लेक्चर्स जो हैं इनको यहाँ पे पहले लेक्चर्स जो हैं वॉच कर लें। मैंने इनके अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताया था आपको कि आपने किस तरह जो है जो फर्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शन आती हैं उनको किस तरह सॉल्व करना है। वैसे तो मोस्टली नेक्स्ट ही करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो उनको अलग तरह से डेव को सेटअप करना होता है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप ये लेक्चर्स वॉच कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो तब भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक C++ जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहे हैं अपने CS304 को। अब C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने CS201 पढ़ी है तो जाहिर सी बात आपको थोड़ा बहुत तो हावना होगा। अगर नहीं पता फिर भी मैं बता दूँ आपको थोड़ा सा कि C++ बेसिकली हाईलेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स के बगैर भी काम कर सकते हैं और विद दी हेल्प ऑफ क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स भी काम कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बगैर भी काम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें जो होती हैं हर लैंग्वेज के अंदर होती हैं, जो उसकी सिंटैक्स होती हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं। अगर आपने CS201 पढ़ी हो तो वहाँ से बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर अभी यूज़ करनी है, जिसके अंदर मैं मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले डाटा मेंबर जो होते हैं ये आपके वही C++ वाले होते हैं, मेंबर फंक्शन जो होते हैं ये भी सारे C++ वाले होते हैं, सिंटैक्स जो होता है वो भी C++ वाला होता है यहाँ पे,
तो मोस्टली जो चीज़ें होंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर वो बेटा वो सारी की सारी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली वो सारी की सारी सी प्लस से ही आनी है, ठीक है। यानी कि जिस लैंग्वेज को आप बेस लैंग्वेज के तौर पे यूज़ कर रहे हो ना उसी की चीज़ें यहाँ पे ड्राइव होनी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। अगर आप सी प्लस यूज़ कर रहे हो तो सी प्लस की, अगर जावा है तो जावा की, अगर पाइथन है तो पाइथन की, ठीक है। लेकिन मेनली ये कि कौन सी लैंग्वेज का बैकएंड बना रहे हो, तो मैं बैकएंड सी प्लस का बना रहा हूँ तो अब यहाँ पे सी प्लस की सिंटैक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बाहर लिखा है इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक सिंटैक्स राइट करेंगे हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे सेकंड लाइन पे हम ऐड करते होते यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी सेमी कॉलन। अब ये जो लाइन है ना ये आप लोगों ने वो लाइन है जो आपने सी एस 201 के अंदर बहुत से तरीके से आपको करवा दी गई होंगी। अगर नहीं भी करवाई तब भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको यहाँ पे ऊपर कमेंट करके साथ में लिख देता हूँ। तो ये है सिंटैक्स ऑफ C++। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक थर्ड लाइन हमें ऐड करवाई जाती थी int main, जिसके अंदर हमारे पास जो मेन फंक्शन था वो बनाया जाता था। अब यहाँ पे CS201 के अंदर तो हम ये काम करते थे, लेकिन अब हम क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर जब बात करते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आती होती है क्लास और ऑब्जेक्ट। अब क्लास बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। क्लास हम कहते हैं किसी चीज़ के कम्बिनेशन को। जैसे अब यहाँ पे देखें हमने क्लासेस को क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है, क्लास BSSC है, क्लास BSCS है। तो अब BSCS के अंदर चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं, चाहे वो हाई मार्क्स वाले हैं, लो मार्क्स वाले हैं, हम सारे बच्चों को एक ही क्लास के अंदर क्लोज कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं कि मल्टीपल जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंगल एक ही चीज़ के अंदर क्लोज होते हैं, इसे हम कहते हैं क्लास। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट बेसिकली वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे आप यहाँ पे हम क्लासेस की बात कर रहे थे तो BSCS है, BSSC है, तो उसमें जो स्टूडेंट हैं वो एक स्टूडेंट जो है उसकी एक एंटिटी है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा। कोई भी चीज़ है ना इस दुनिया के अंदर वो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट से मिलकर बनती है। चाहे एक चेयर है, एक लैपटॉप, फर्ज करने की लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर देखें छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, रैम, हार्ड ड्राइव, इस तरह इसकी स्क्रीन हो गई, इसके बाद कीबोर्ड हो गया, माउस। तो ये हमें जितनी भी मतलब इसकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, टुकड़े हैं छोटे छोटे, उनको मिलाया के इन्होंने एक लैपटॉप बनाया। ये कोई भी चीज़ आप लगा लें, कंप्यूटर ही लगा लें, वो भी इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों के कलेक्शन से बनाया, ठीक है। सो आपको ये पता लग गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली छोटा सा यूनिट होता है, और क्लास क्या होता है, उन यूनिट्स की कलेक्शन होती है। द कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड क्लास, ठीक है। ये आप सिंपल फॉर्म में ये कह लें द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इज मेक्स अ सिंगल क्लास। अब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल ऑब्जेक्ट और एक होता है इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट। टेंजिबल ऑब्जेक्ट जो वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि आप जिसको देख सको और छू सको। इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्लास का कीवर्ड लिखता हूँ, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, और यहाँ पे मुझे क्लास का नेम देना है। अब देखें आपने कोई भी क्लास रखी है, जैसे हम लोग क्लास BSCS ले रहे थे, BSSC ले रहे थे, अब हमने यहाँ पे कोई भी क्लास जो है उसको यहाँ पे लेना है, यानी कि उसको एक नेम देना है। तो यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ, फर्ज करें एक क्लास मैं यहाँ पे ले लेता हूँ BSCS की, चलें। अब यहाँ पे मैंने BSCS लगाया और यहाँ पे मैंने इसको कर्ली ब्रेस लगा के यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आपने इस तरह जो है क्लास बना लेनी है। क्लास बनाने के बाद अब आपने यहाँ पे इसके जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करने। एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली वो मेथड होता है जिसको यूज करके आप डाटा एक्सेस करते हो अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेटा जब भी बात की जाएगी ना तो वहाँ पे अपने याद रखना कि दो चीज़ें मेन होती हैं, क्लास और दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं अगर आसान साज में बोलूँ कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो डाटा को एक्सेस करते हो अपनी क्लास में से। तो यहाँ पे बेटा तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आता है प्राइवेट, सेकंडली मेरे पास आता है पब्लिक, और थर्डली मेरे पास जो आता है वो होता है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसका पी स्मॉल रखिएगा क्योंकि ये कीवर्ड है, तो कीवर्ड हमेशा स्मॉल में ही मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दें कि तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपने अकॉर्डिंग डाटा के जो हमारा अगर डाटा हमें प्राइवेट में करना है यानी कि किसी को नहीं दिखाना तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में जाएगा। अगर हमें डाटा पब्लिकली शो करवाना है तो हमें पब्लिक में लगा देंगे। अगर हमें उसको ऐसे सिक्योरिटी पर्पज में लेके जाना है तो हम उसको प्रोटेक्टेड में यूज़ करवाएंगे। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि इमरान खान जो है अगर वो बाहर आए तो सिक्योरिटी के साथ आएगा, जाहिर सी बात है पब्लिक में आ रहा है तो सिक्योरिटी के साथ आएगा, विदाउट सिक्योरिटी तो नहीं आएगा। वो क्या उसकी प्रोटेक्शन हो रही है, हालांकि वो बाहर भी आया है लेकिन क्या पब्लिक में भी, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन हो रही है। प्राइवेट का मतलब क्या है कि वो प्राइवेट ही है, मतलब वो दिख नहीं रहा किसी को, वो प्राइवेट होता है। पब्लिक क्या होता है कि वो खुले आम पब्लिक में चले जाए बगैर किसी सिक्योरिटी के, हम कहते हैं पब्लिक में जाना, ठीक है। ये क्लासरूम जैक्स के अंदर मैं आपको इसका थोड़ा मतलब बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एक टाइप डिफाइन करते हैं पब्लिक में, फर्ज करें यहाँ पे बिकली डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉलन लगा देता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली कॉलन लगा के भी यहाँ पे आपने एक्सेस करने हैं अपने डाटा मेंबर्स। यहाँ पे हम लगाते हैं डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, ठीक है। अभी आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना कि डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, बट वक्त के साथ इंशाल्लाह हम लोग सीख जाएंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, इनको यूज़ कैसे करते हैं। अभी के लिए मैं छोटा सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक
डाटा वेरिएबल ले रहता हूँ और डाटा टाइप ले लेता हूँ। तो मैं सिंपली एक डाटा टाइप लेता हूँ और मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बनाता हूँ फंक्शन void show का, और मैं यहाँ पे सिंपली सी आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चलें इसके डाटा को स्टोर कर देता हूँ, g इज इक्वल टू ज़िशान अली, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नोट के साथ अपना नाम जो है प्रिंट करवाऊंगा, माई नेम इज, और यहाँ पे मैं अपना वो वेरिएबल जो है कॉल कर लूंगा जो मैंने ऊपर यहाँ पे बनाया था, ठीक है। अब क्लासरूम डेस्क के अंदर यहाँ पे क्लास तो आपने बना ली थी यहाँ पे, लेकिन अब इसका हमने बनाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने एक क्लास का नेम लिखना होता है, जैसे ये क्लास नेम थी BSES, तो इसका आपने यहाँ पे नेम लिखना है। अब आपने यहाँ पे कोई भी एक सिंगल वेरिएबल को एज ऑब्जेक्ट लेना है, तो मैं यहाँ पे जी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। अब आपने ये वाला जो डाटा है ना, ये कॉल करना है अपने मेन के अंदर, तो यहाँ पे मैं जी लगाऊंगा, उसके बाद डॉट लगाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पे देखिए आ रहा है ये आपका वेरिएबल है, ये आपका फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूंगा कि अपनी मेरे वैल्यू जो है वो फंक्शन के अंदर सेट की थी, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया। एग्जीक्यूट करें, कंपाइलर रन करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CS 304 P क्लास या लेक्चर वन, तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा जो नेम है सक्सेसफुल प्रिंट हो गया, माई नेम इज ज़िशान अली। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट नोटेटर के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं, बट इंशाल्लाह वक्त के साथ आपको हर एक चीज़ समझ आएगी। ये बेसिकली फंक्शंस होते हैं आपके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आपके क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं, इन्हें कहते हैं मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शन, और ये आपके बेसिकली डाटा मेंबर्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ डाटा मेंबर। अब आप ये याद रखिएगा कि जो सिंपल वेरिएबल्स जो थे जो अभी तक आप सी प्लस के अंदर बनाते आए, उसको हम कहते हैं डाटा मेंबर, और जो सिंपल फंक्शन अभी तक हम सी प्लस के अंदर बनाते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे मेंबर फंक्शंस, ठीक है। बस इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना है तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो आपके यहाँ काफ़ी ज़्यादा इसके अबाउट डाउट्स होंगे, क्यूरीज होंगी, बट इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इस कोर्स के अंदर आगे मूव करेंगे, आपके सारे डाउट्स जो हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो अपने इस चीज़ के अबाउट वरी नहीं होना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी अपने होस्ट ज़िशान अली को। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलामु अलैकुम।